यार आजकल तो वायरलेस का जमाना है एंड ब्लूटूथ ईयरबड्स एंड ब्लूटूथ नेक बैंड्स काफी पॉपुलर हो गया है मतलब वायर्ड ईयरफोन्स हम लोग आज बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं तो इस वीडियो में बात करने वाले विंग्स की तरफ से लॉन्च किया गया लेटेस्ट ब्लूटूथ नेक बैंड विच इज विंग्स स्लिंग हंड्रेड विच इज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट एंड एमेजन एंड इसका प्राइस है वन तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाता है आपको बताते हैं यही प्रोडक्ट के बारे में नमस्कार दोस्तों मैं हूं अमित आप देख रहे हैं डेटा डॉग सो दैट बिंग सेट लेट्स स्टार्टेड सो ये है विंग्स स्लिंग uh, ये है बजट कैटेगरी ब्लूटूथ नेकबैंड जो विंग्स की तरफ से लॉन्च किया गया है पीछे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन है साइड में अगर देखा जाए आपको मिल जाता है वाइब्रेशन अलर्ट एंड एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन दैट इज गुड सोनिक फास्ट चार्जिंग है टाइप सी है ब्लूटूथ फाइव पॉइंट वन एंड एटी एम एस का लो लैटेंसी दिया गया है सो so, जल्दी से इसको खोलते हैं एंड आपको दिखाते हैं कि एग्जैक्टली exactly सामान कैसा है तो अंदर आपको मिल जाता है यहाँ पर नेक बैंड उसके साथ मिलता है यहाँ पर कुछ एडिशनल एयर टिप्स आ, दिस इज ए टाइप सी केबल जहाँ पर फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड मिलता है आपको कुछ यूजर मैनुअल एंड कुछ वारंटी इन्फॉर्मेशन सो so, सब कुछ रखते हैं साइड में और आपको दिखाते हैं द प्रोडक्ट इट इसको निकालते हैं इससे बाहर एंड इस टाइप का प्रोडक्ट मैंने विंग्स की तरफ से देखा है बट दिस इज़ वेल फिनिश्ड आई थिंक काफ़ी अच्छे से यहाँ पर डिज़ाइन uh, बनाया गया है एंड यहाँ पर ये काफ़ी सॉफ्ट रबराइज मटेरियल से ये बनाया गया है एंड काफ़ी फ्लेक्सीबल भी है काफ़ी हल्का है इट्स मेड आउट ऑफ ए गुड क्वालिटी प्लास्टिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये टोटली मैट फिनिश है एंड मैट फिनिश चीज़ें मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है uh, यहाँ पर आपको कुछ बटन्स दिया गया जिसे आप ऑन ऑफ कर सकते म्यूजिक प्ले और सब कुछ कर सकते इस साइड में कोई बटन्स नहीं है दिस इज़ राइट लेफ्ट यहाँ पर इंडिकेटर है एंड दिस इज़ ए टाइप सी पोर्ट जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं ओवरऑल इट्स अटी वेल बिल्ड एंड अगर यहाँ पर केबल देखा जाए केबल का क्वालिटी भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा बड़ी सॉलिड केबल इनफैक्ट हल्का सा टेक्स्चर है इस केबल में एंड दिस इज़ दी एयरबड्स यहाँ पर आपका शायद कुछ स्टीकर है इसको मैं निकाल देता हूँ स्टीकरस को स्टीकर स्टीकर sticker. Sticker को मैंने निकाल दिया एंड यहाँ पर वाव यहाँ पर एक सॉलिड मैगनेट आपको मिल जाता है इटी सॉलिड मैगनेट एंडस का यहाँ पर ब्रांडिंग हैंगल्ड है एंड ईयर लॉकिंग सिस्टम भी यहाँ पर आपको मिल जाता है सो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी देखा जाए मैं बोलूंगा का, काफी सही है तेरह सौ रुपए के हिसाब से ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी का देखा जाए काफी बढ़िया है एंड ये स्क्रीन फ्रेंडली मटेरियल से बना हुआ है तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा गले में काफी अच्छे से फिट हो जाता है मैं इसको इस्तेमाल करूँ इज बिन मोर देन फोर्टी एट आवर्स और मैंने थोड़ा बहुत कॉल वॉल लिया एक जिम सेशन मैंने अटेंड किया इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं हुआ काफी बढ़िया यहां पर बिल्ड है मेटल फिनिश है एंड मैगनेट भी काफी स्ट्रॉग है कानू में अगर फिटिंग्स देखा जाए ये वाला फिटिंग्स काफी बढ़िया होता है क्योंकि एक तो ये हल्का सा एंगल्ड है उसके साथ साथ यहाँ पर एयर लॉकिंग मिलता है एयर लॉकिंग मिलने से ये कानू में काफी अच्छे से फिट हो जाता है तो अगर आप थोड़ा बहुत दौड़ रहे जॉगिंग कर रहे हैं उनके लिए मुझे लगता है ये काफी बढ़िया है मैं जनरली ऐसे इस्तेमाल नहीं करता हूँ मैं इसको जनरली टी शर्ट के अंदर ऐसे डाल देता हूँ उसके बाद मैं इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे लिए काफी आसानी होता है अभी आप

गुड क्योंकि यहाँ पर ब्लूटूथ 5.1 टेक्नोलॉजी मिलता है इवन मैंने अपने samsung टीवी से भी कनेक्ट करके एक दो सीजन देख रहा था दैट इज आल्सो वर्क्स pretty fine सो इन टर्म्स ऑफ द कनेक्टिविटी ब्लूटूथ 5.1 है जो कनेक्टिविटी में अच्छा हेल्प करता है एंड बैटरी कंजम्पशन भी काफी कम है सो काफ़ी अच्छा है सो इन टर्म्स ऑफ द कनेक्टिविटी स्टॉप नॉच विदाउट आई हैवन फेस्ट एनी काइंड ऑफ इशू अभी बात करते हैं साउंड परफॉर्मेंस के बारे में विंग्स का मैंने इससे पहले भी बहुत सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है ये भी उसका एक्सेप्शन नहीं है प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छा आपको साउंड मिलेगा डीप बेस है काफ़ी क्रिस्प है एंड जो म्यूजिक लाइक प्रोसेसिंग है वो मुझे लगता है काफ़ी सही है इन टर्म्स ऑफ लाइक हर एक आवाज काफ़ी क्लियर आता है मैंने अभी तक जितना देखा है तो क्लैरिटी के मामले में काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया है इफ यू आस्क मी टू रेट इन टर्म्स ऑफ द साउंड आई विल गिव 8.5 टू नाइन आउट ऑफ क्योंकि साउंड मुझे काफी अच्छा लगा एंड प्राइस है इसका तेरह रुपए के आसपास तो अगर आपका बजट काफी टाइट है फिर लुकिंग फर ए बजट कैटेगरी ब्लूटूथ नेक बैंड क्योंकि इस प्राइस रेंज में आजकल तो ईयरबड्स भी अवेलेबल है बट तो डिपेंड करता है बहुत कोई मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो हमेशा मुझसे मांगते हैं तेरे पास कोई नेक बैंड है कि नहीं है आजकल मैंने देखा है बहुत सारा ईयरबड्स लॉन्च हो रहा नेक बैंड लॉन्च होना काफी कम हो गया लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग नेक बैंड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वाला प्रोडक्ट उन लोगों के लिए इसका दो तीन कलर अवेलेबल है सो यू कैन चूज अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस और अधिक जानकारी के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं सो so, uh, अगर ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर और डेडा को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए तो इस वीडियो में अभी तक लेते हैं माई नेक्स्ट वीडियो बाय